सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। आपका भी चैनल लटका हुआ है इन प्रोग्रेस में, 6 दिन से 8 दिन से 2 हफ्ते से या पूरा महीना भर हो गया हो। सिर्फ मैं बताऊंगा एक टेक्निक और वो आपको फॉलो करनी है और आप निकल जाओगे इन प्रोग्रेस से बाहर, चैनल को मोनेटाइज करके। गाइस मैं निकाल लूंगा इन प्रोग्रेस से अपना खुद का चैनल, और मैंने किसी का चैनल लिया है, मैंने खुद का चैनल लिया है, और मैं आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि इन प्रोग्रेस से मैं बाहर निकालूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि इन प्रोग्रेस से बाहर कैसे निकला जाए। गाइस वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और भाई प्यार से कमेंट डाल देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है गाइस? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि गाइस हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पे आके हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद हमें सर्च करना youtube.com और भाई हम पहुंच जाएंगे सीधा अपने चैनल के लोगो पे, जैसे कि अपना चैनल दिख रहा हमें, और हम ये डेस्कटॉप करके साइड करके ये हमने कर लेना है इंटर। और भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं, ठीक है, और जल्द से जल्द आपका चैनल मैं भी चाहता हूँ कि मोनेटाइज हो जाए। और भाई ये जब खुलने में टाइम लगा रहा है तो भाई अब ये खुल चुका है और लोडिंग ले रहा था थोड़ा सा। अब जाना आपको यूआर चैनल पर, ठीक है। यूआर चैनल पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। भाई ये मेरा ही चैनल है और भाइयों फिर उसके बाद आपको दिखा ऐसा कुछ इंटरफेस, वो एक फीडबैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो भाई वो उसमें करना क्या, मैसेज में लिखना क्या, वो बताता हूँ मैं आगे चल के सब कुछ जल्द से जल्द। जैसे कि अब दिख गया और आपको देख लीजिए मेरा ही चेहरा है, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है मेरी। अब जाता हूँ मैं भाई ये एस वाले निशान पर, मतलब कि डॉलर वाले निशान पर, और भाई ये देखिए अब ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। और जैसे कि भाई इन प्रोग्रेस दिखा रहा मेरा, ठीक है, मैंने दोनों मेरे टिक हो गए और मैं आप करता हूँ। और भाई ये जो आपको देख रहे हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप साइड पर कर देना है आपको, और फिर आपको कुछ थोड़ी देर बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये लोड हो रहा है, ठीक है, लोड होने दो इसे। लोड होने के बाद मैं बताऊँगा आपको इसमें भरना क्या है और इसमें लिखना क्या है और क्या क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है दोस्तों। मेरी वीडियो में मैं इतना टाइम लेता ही नहीं हूँ खुद ही कि भाई आप लोगों को दिक्कत हो, और भाई ये खुल गया है। तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा है ये इंटरफेस आपको, तो भाई अभी यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे ये आपको दिख रहा है मैं आपको बता दूँगा। ये आपको जो यहाँ पर लिखना है वो मैंने ये आप पहले से लिख रखा है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसे को करना मुझे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद अब चलते हैं दोबारा अपने चैनल पर, और जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये, और भाई आप भी पेस्ट कर देना। और भाई इस साइड पे देखिए एक इस जगह और एक थोड़ा सा ऊपर जो दिख रहा है भाई आप लोगों को, ये यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना, ठीक है। जैसे मेरे चैनल का नाम है नीरज ज्ञान ब्लॉग्स, ठीक है, नीरज ज्ञान ब्लॉग्स, ये मैंने लिख दिया। और भाई यहाँ पे दे रखा है यूट्यूब चैनल लिंक, मतलब कि जो यूआरएल होता है आपका पहले से मैंने कर रखा, आप भी कर लीजिएगा। और भाई इसका लिंक कॉपी करने के बाद मैं फिर दोबारा आप जाता हूँ अपने स्टूडियो में, और भाई मैंने वो पेस्ट, ये जो देख रहे हो आप, ये चैनल के ये दिख रहा है ना जो लिखा हुआ है, ये पेस्ट कर दिया है। तो गाइज आपको दिख रहा है क्लिक का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इंटरफेस आने के बाद आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट की तरीके से, या आपको पहले ये पूरा कवर कर लेना है, ठीक है, कि मतलब जैसे कि स्क्रीनशॉट लेते हैं एक ये, लेकिन करना ऐसे है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन है यार, थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन गाइस थोड़ा सा सब्र करो, मैं ये पूरा का पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ करना क्या है। जल्दी से ये कर लेता हूँ, जल्दी ये कर रहा हूँ बस 2 सेकेंड और ये पूरा हो चुका है। और भाई जो आपको ब्लू कलर का बटन दिख रहा है डन का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मतलब कि ये डन करना है आपको, ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा फिर थोड़ी देर बाद। तो भाई ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। ये डन होने के बाद अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, भाई ध्यान से देखना अब क्या करना है हम लोगों को। सब कुछ परफेक्ट तरीके से हमने पूरा कर लिया अपना, तो भाई मतलब कि हमारा डन हो चुका है, हर काम परफेक्ट हो चुका है। और भाई थोड़ा सा अपना स्क्रॉल करेंगे और ये देखोगे ये सेंड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, ये आपका परफेक्ट हो चुका है, आपको कर देना सेंड। सेंड करने के बाद आप रुकिए मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आप आके ना मुझे
प्लीज़ एक कमेंट कर जाना यार। और भाइयों एक चीज़ और मैं बता दूँ, यूट्यूब पर बहुत जने बोलते कि इतने टाइम पे करना चाहिए उतने टाइम पे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब मर्जी कर लेना ये सब, ठीक है, बस ये करना परफेक्ट तरीके से जैसे मैंने बताया। तो भाइयों अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन से बाहर।